आज मेरे पास Xiaomi का Mi A3 मौजूद है, जिसमें मैंने MIUI 12 फ्लैश कर रखा हुआ है और इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसके बाद काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि फ्लैशिंग ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं और Mi A3 के बारे में, ताकि Mi A3 पे MIUI 12 किस तरह फ्लैश होगी। तो जनाब, सबसे पहले जो काम है वो बूट लोडर अनलॉकिंग का है। मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक में क्लिक करें, वो वीडियो देखें जिसमें मैंने सेट का बूट लोडर अनलॉक किया है Mi A3 का, जो कि सेकेंडों में हो जाता है, जल्दी अनलॉक हो जाता है। उसके बाद कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग की वीडियो की लिंक भी मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करें, वो वीडियो देखें, कस्टम रिकवरी भी फ्लैश करें। बूट लोडर पहले अनलॉक करना होगा, उसके बाद कस्टम रिकवरी फ्लैश करनी होगी, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। MIUI 12 जो Mi A3 के लिए है, उसका लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। रोम को डाउनलोड करें और फ्लैश करें। आपको मैं बताता हूँ कि कस्टम रिकवरी में किस तरह इस MIUI 12 को हम फ्लैश कर पाएंगे Mi A3 के ऊपर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा, और बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने अपने मी A3 का बूट लोडर भी अनलॉक कर दिया होगा और इसके अलावा जो है कस्टम रिकवरी भी फ्लैश कर दी होगी, क्योंकि दोनों लिंक मौजूद है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस की। कि अगर स्क्रीन लॉक पासवर्ड आपने लगाया हो, आपका स्टॉक रोम आपके पास मौजूद है या कस्टम रोम मौजूद है, तो स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने गूगल अकाउंट लॉग इन किया हो तो वो भी सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। अपना डेटा लाजमी सेव कर दीजिएगा, जो आपके इंटरनल स्टोरेज का डेटा होगा लाजमी सेव कर लीजिएगा। क्यों? कि ये डेटा जो है आपका फॉर्मेट होगा लाजमी। और बैटरी चेक कर लीजिएगा, मिनिमम 60% या 70% का चार्ज रखना बहुत ज़रूरी है। डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और कस्टम रिकवरी तो आपने ऑलरेडी फ्लैश कर दी होगी। ये सारी चीज़ें कर दी हो तो सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा। सेट को बूट करेंगे कस्टम रिकवरी में और सेट जो है वो पावर ऑफ हो जाए तो वॉल्यूम अप की इसको प्रेस करके रखिएगा और पावर की छोड़िएगा मत। जब लोगो आए पावर की छोड़ दीजिएगा, लेकिन वॉल्यूम अप की मत छोड़िएगा। ये कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आ गई है। केबल कनेक्ट कीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन से। आप केबल कनेक्ट करेंगे, इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपको कंप्यूटर पे नज़र आ जाएगा। ये इंटरनल स्टोरेज जो है नज़र आ गया है जी। अब मैं अपने फोल्डर में जाऊंगा जहां फाइलें सेव हैं। दो फाइलें हैं, एक Xiaomi, ये है अपडेटर की फाइल जो हम बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे, और दूसरा जो है वो ये EU ROM है, और एक और ROM भी मौजूद है जो कि चाइना की है, CN, ये भी Mi A3 के लिए है। दोनों ROM मैंने इस्तेमाल की है, दोनों तकरीबन सेम ही है, वर्जन भी आप चेक करें दोनों सेम ही है। मैं मशवरा आपको EU ROM का दूंगा, क्योंकि चाइना वाले ROM में कहीं जगह पे चाइनीज़ आपको नज़र लिखी हुई नज़र आएगी, EU में सारा कुछ इंग्लिश में है, लिहाजा EU ROM जो है वो यहाँ से आप कॉपी करें। लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ROM को डाउनलोड करने के बाद कॉपी की आपने, और इंटरनल स्टोरेज जो Mi A3 का है वहाँ हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, ROM की फाइल कॉपी हो गई है और कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया है जी। केबल डिस्कनेक्ट कीजिएगा मोबाइल फ़ोन से। अब पावर की एक बार प्रेस कीजिएगा, कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आपके सामने, स्वाइप कीजिएगा, अनलॉक कीजिएगा और सेटिंग्स में जाइएगा। यहाँ थर्ड ऑप्शन पे टैप कीजिएगा और स्क्रीन टाइम आउट जो है 60 सेकेंड है, इसको 200 कर दीजिएगा, और फिर बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा, वाइप पे टैप कीजिएगा, एडवांस वाइप पे टैप कीजिएगा, फर्स्ट पार्टीशन डेल्विक को सेलेक्ट करें, सेकंड सिस्टम को सेलेक्ट करें, थर्ड डेटा को सेलेक्ट करें, इंटरनल स्टोरेज को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और फिफ्थ वाला जो पार्टीशन है वो वैन डोर, ये एक हिसाब से फोर्थ है लेकिन मैं आपको सीक्वेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आप स्वाइप कर दीजिएगा ताकि वाइपिंग शुरू हो जाए। बैक कीजिएगा, बैक करके मेन स्क्रीन पर आइएगा, इंस्टॉल पर टैप कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, ये जो EU की ROM है मौजूद है जो मैंने अभी कॉपी की, यहाँ से सेलेक्ट करें, स्वाइप करें, फ्लैशिंग शुरू होगी। फ्लैशिंग तकरीबन 1-2 मिनट लगेगा इसमें कंप्लीट होने में, वेट कीजिएगा, कंप्लीट होती है फिर आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही कंप्लीट होगा इंस्टॉलेशन, आप बैक करके पीछे आइएगा और ये जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो रोम बूट नहीं होगी। मेन स्क्रीन पे आने के बाद वाइप पे टैप कीजिएगा, फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा और ये वो टाइम है जो इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट हो जाएगा, सारा डेटा ज़ाया हो जाएगा। ये तब करने के बाद YES टाइप करके ये एरो की पे टैप कीजिएगा। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद अब आप बैक करके पीछे आइएगा, रिबूट पर टैप कीजिएगा और यहाँ एक चीज़ देख लीजिएगा कि जो आपको करंट स्लॉट नज़र आ रहा है ये बी होना ज़रूरी है। अगर ये बी ना हो तो आपका जो कस्टम रोम है वो बूट नहीं होगा। ठीक है, ये करंट स्लॉट सेलेक्टेड है बी, बस आप सिंपल सिस्टम पे टैप करें, डू नॉट इंस्टॉल पे टैप करें और रोम जो है वो ई रोम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मी A3 बूट होना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट बूट अराउंड 3 से 4 मिनट लेगा, वेट कीजिएगा। MIUI 12 first time on Xiaomi Mi A3। चलिए जनाब, रोम जो है फ्लैश हो गई है प्रॉपरली। सेटिंग्स में जाके और माई डिवाइस में जाके देख लीजिएगा MIUI वर्जन 12.12.2 by Xiaomi.eu। और ऑल स्पेक्स में जाने के बाद यहाँ देख लीजिएगा एंड्रॉयड सिक्योरिटी ए पैच लेवल जो है वो 192020 और मॉडल जो है वो यहाँ आपको शो हो रहा है। 20 बैंड को देखना ज़रूरी है, अगर आपको यहाँ सब कुछ लिखा हुआ नज़र आए तो परफेक्टली जो है जो फ्लैशिंग हो गई है। जब ईयू रोम फ्लैश कम्प्लीटली हो जाए तो डेटा डाउनलोड करने से पहले, मी अकाउंट या गूगल अकाउंट लॉगिन करने से पहले, आप सेट को दोबारा पावर ऑफ करेंगे, कस्टम रिकवरी में बूट करेंगे, रिबूट पर टैप कीजिएगा। रिबूट जब हो जाए तो वॉल्यूम अप की दबा के रखिएगा। रिबूट हुआ, मैंने वॉल्यूम अप की दबा के रखी हुई है। थोड़ी देर में सेट जो है वो कस्टम रिकवरी में बूट होगा। लोगो आया, स्टिल होल्डिंग इट प्रेस वॉल्यूम अप की, कस्टम रिकवरी आ गई है। अप केबल दोबारा कनेक्ट कीजिएगा सेट के साथ, कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज फिर दिखाई देगा। ये इंटरनल स्टोरेज आ गया है जी। तो अब मैं दोबारा फोल्डर में जाऊंगा और MIUI अपडेटर, ये जो मी A3 का 1.3 वर्जन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट करूंगा। ठीक है जी, कंप्यूटर से काम दोबारा ख़त्म हो गया है जी। केबल को डिसकनेक्ट कीजिएगा। अब आप इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके ये देखिएगा फाइल मौजूद है, इस पर टैप करें, सेलेक्ट करें, स्वाइप करें, फ्लैशिंग शुरू होगी। और जल्दी फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद वाइट डेल्विक कैश पे टैप कीजिएगा, स्वाइप कीजिएगा और रिबूट सिस्टम पे टैप कीजिएगा। डू नॉट इंस्टॉल पे टैप करके अपसेट दोबारा से रिबूट होगा स्टॉक रोम की तरफ जो कि ईयू रोम है। चलें जी, रोम दोबारा से बूट हो गई है, थोड़ा टाइम लगा बूट होने में। अब जो एप्लीकेशन मैंने फ्लैश की है जो कस्टम रिकवरी से, वो ये वाली थी अपडेटर। ये हमारे काम आएगी जब ईयू रोम का अपडेट्स आएगी तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी। अब वाईफाई या मोबाइल डेटा टर्न ऑन कर दीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद अपडेटर ऐप को ओपन करें, इसको यहाँ अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। एग्जैक्टली, अब इस वक्त जो मेरे पास वर्जन है वो है 20.9.24 जो मैंने फ्लैश ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है जी, और ये बता रहा है कि 20.11.11 जो है वो अब रिलीज हो चुका है। चेक फॉर अपडेट पर टैप कीजिएगा। CN नहीं करना है आपको, EU वर्जन करना है, इस पर टैप कर दीजिएगा। डाउनलोड स्टार्टेड, और इसी तरह ये जो रोम है ये डाउनलोड होगी ऑटोमेटिकली, ये इसका अपडेटेड वर्जन है। और फिर उसके बाद जब ये अब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, सिंपली आपसे यहाँ पर
रिबूट का कहेगा, आप रिबूट पर टैप कीजिएगा और सेट ऑटोमेटिकली बूट होगा कस्टम रिकवरी में, और रिकवरी में जाके ऑटोमेटिकली रोम जो है वो अपडेट होके फ्लैश होके फिर रिबूट होगा और आपके पास सिस्टम पे दोबारा बूट हो जाएगा। आपका डेटा अपनी जगह पे रहेगा, डेटा लॉस नहीं होगा। ये एप्लीकेशन आपको काम करेगा अपडेट्स के लिए, जैसे भी आपको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाया। ठीक है जी, ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा और आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।